आते ही सोने से पहले उल्टी उल्टी उल्टी। मैं पिछले 1 घंटे से खड़ी होकर ये सोच रही हूँ कि आज मैं क्या शूट करूँ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और कपड़े बदलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चिट चैट गेट रेडी विद मी किया जाए, बहुत दिन हो गए राइट। और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ पर्सनल लाइफ अपडेट वाली चीज़ें कर लेते हैं, बिकॉज़ हमने कुछ बहुत दिनों से ऐसा वीडियो नहीं किया है जिसमें वी हैव दैट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। एंड आई थिंक मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना रही हूँ बहुत समय से, तो बहुत लोग वो मिस भी कर रहे थे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं बिकॉज़ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा राइट। सो आई एम ऑल सेट, मैंने सिर्फ सिंपल एक स्वेटर पहन लिया क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है आज, एंड सिर्फ बेसिक इयर रिंग्स पहने हैं विद दिस रेडी टू वेयर साड़ी, क्योंकि आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पहनने की। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी अ चिट चैट वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद, कहाँ से शुरू करें? सो लेट्स स्टार्ट विद माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। आप सब लोग तो जानते हैं मेरी पहले एक बेटी है रूरू, एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया है अभी तक आई एम प्रेग्नेंट, एंड दिस इज़ माई 3rd मंथ जो कि स्टार्ट हो चुका है। ये वाली मेरे लिए थोड़ी सी डरावनी है क्योंकि बीच में एक सिनेरियो हुआ था, आई थिंक जो लोग व्लॉग्स नहीं देखते थे उन्हें नहीं पता है, यहाँ पर मैंने कभी इतना डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। आई हैड दिस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी लास्ट ईयर, मुझे नवंबर में हुआ था। मतलब ऑब्वियसली एक्टॉपिक में क्या होता है कि आपका जो बेबी है इट्स स्टक इन वन ऑफ योर फेलोपियन ट्यूब्स, वही हुआ था, मुझे पता नहीं चला। एंड आई थॉट दे आर पीरियड्स, बट वो एक्टॉपिक की वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि वो ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, मैं बाथरूम में ब्लैकआउट हो गई थी 1-1.5 घंटे तक, मुझे नहीं पता था, मैं होश में नहीं थी कि क्या है क्या हो रहा है, बट मुझे लगा इट मे बी ड्यू टू समथिंग लाइक गैस्ट्रिक, और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है नाउ आई रियलाइज, पहले नहीं लगता था कि मैं बहुत चीज़ों में काफ़ी लापरवाह हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू माई बॉडी। मैं हर चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ, बीट माई फैमिली, बीट माई वर्क, और जो भी मेरे काम होते हैं हर चीज़ को एक्सेप्ट माई बॉडी। और दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे बहुत मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, आई वॉज लाइक कि अब नहीं बचेगी तू, बट मुझे लगा था मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, बट वो ऐसा था नहीं। उसके नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर को दिखाया, शी टेस्टेड, अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, देन आई गॉट टू नो इट्स एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। फिर वहीं उसी दिन मेरी सर्जरी हुई, आई गॉट माई लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब ऑपरेटेड और वो बाहर निकाल ली डॉक्टर ने। तो उसके बाद माई लाइफ चेंज्ड, एंड नॉट इन अ गुड वे, ट्रस्ट मी। ऐसा तो मतलब ये एक लाइन से चीज़ें चल रही थी ना, आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या हो रहा है। देन आई स्टार्टेड हैविंग दिस प्रॉब्लम कॉल एंग्जाइटी, थोड़ी थोड़ी बातों पे घबराहट होना, गुस्सा आना, अकेला फील करना। ट्रस्ट मी एंग्जाइटी इज़ रियल, तब तक नहीं हुई थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि दिस इज़ जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता, बट एंग्जाइटी इज़ प्रिटी रियल। आपके पास सब कुछ है, यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव अ बेबी, यू हैव अ केयरिंग हस्बैंड, यू हैव मनी, यू हैव गुड करियर, बट स्टिल दैट हिट्स यू। तो वो उसी की वजह से हुआ था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि उसका मेजर रीज़न था वो सर्जरी, वो एकदम से जो शॉक लगा मुझे, सो आई वाज नॉट एबल टू हैंडल इट। तब तो मैंने दिखाया कि मैं संभल गई, बट इसने उसको अच्छे से नहीं लिया, मैनेज नहीं कर पाया, तो वो चीज़ उसमें चली गई। 3 महीने के बाद आफ्टर एक टॉपिक आई वॉज डीलिंग विद दिस होल एंग्जाइटी डिप्रेशन थिंग। मतलब मुझे उस लेवल का डिप्रेशन नहीं हुआ था, लोगों को होता है दे डोंट वांट टू लिव, उनकी इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती, हुई थी एक टाइम पर आकर हुई थी, बट इतनी नहीं हुई थी बिकॉज लाइक आई हैव अ रियली सपोर्टिंग फैमिली, तो उस चीज़ में मैं उतना उस लेवल पर नहीं गई, बट या आई फेल्ट रियली अलोन। आपके साथ सब होते हैं लेकिन यू फील दैट, मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अंदर से चीखने का मन करता है बट यू कॉन्ट स्क्रीम, बात करने का मन करता है बट यू कॉन्ट टॉक, खाने का मन करता है यू कॉन्ट ईट। वो सिचुएशन लाइक वन ऑफ द वर्स्ट फेजेज ऑफ माई लाइफ थी, मैंने बहुत लोगों के साथ डिस्कस नहीं की ये चीज़ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक, मैं उस सिचुएशन में भी नहीं थी एक्चुअली दैट आई कैन टॉक। आई वेंट टू एक हम न्यूरो के डॉक्टर के पास गए, शी टोल्ड मी कि जितना आप बता रही हैं उससे ज़्यादा है आपको, बिकॉज एज आई सेड कि मैं बहुत लापरवाह हूँ व्हेन इट कम्स टू माई बॉडी, आई डोंट पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, और इसकी वजह से ही मुझे बहुत बार कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सो आई एम टेलिंग यू, अगर आपका बिहेवियर मेरी तरह, जो कि आई थिंक 99% औरतों का होता है, गलत है,
इट्स नॉट गुड फॉर यू इन सम वे इट विल हार्म यू वन डे. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो. एंड दैट्स वॉट मेड मी रियलाइज कि थोड़ी सी अटेंशन ज़रूरी है. तो एंग्जाइटी में भी ये हुआ, आई वेंट टू डॉक्टर, मैं उन्होंने मुझे पिल्स दे दी, नशे होने लगे उससे. लाइक यू हैव टू जस्ट स्लीप आफ्टर ईटिंग देम. मेरी क्या लाइफ रह गई यार, मैं वो गोलियां खाती रहूँ, सोती रहूँ, नशे में रहूँ, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना मुझे ढंग से कुछ सुनाई दे रहा है, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ. इफ़ आई एम जस्ट स्लीपिंग देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग. तो वो चीज़ ने मुझे हिट किया. आई टुक दोज मेडिसिन फॉर अराउंड अ वीक. उसके बाद मैंने हाथ में लगाया, मैंने फेंक दी उठा के. भाड़ में जाए कितनी भी महंगी आई हूँ, कितना भी कंसल्टेंसी का फीस दे के आई हूँ, बट आई कॉन्ट प्ले विथ माई बॉडी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यू नीड समथिंग एल्स. देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि गो टू आर्ट ऑफ लिविंग. मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया आर्ट ऑफ लिविंग वाला सिनेरियो, ब्लॉग चैनल पे किया, यहाँ पे किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो हुआ था. उसके बाद आई वेंट टू आर्ट ऑफ लिविंग एंड दे चेंज्ड मी इन जस्ट फ्रीकिंग 7 to 8 days, आई थिंक 6 days. तो ऐसे आई डोंट नो हाउ इट हैपन. मे बी मैं उस आस से वहाँ पर गई थी, उस विश्वास के साथ वहाँ पर गई थी कि मैं वहाँ पर ठीक हो जाऊँगी. इट्स बेसिकली योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और वो थोड़ा सा आपका यू नो ब्रेन को भी थोड़ा सा शांत होने का मौका देते हैं. दे टॉक गुड स्टफ देयर समटाइम्स. मतलब देखो, आपकी सोच उनसे 100% मैच नहीं कर सकती, बट देयर आर मेनी थिंग्स. इफ़ यू आर इन टू दैट जोन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, देन मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव रहा है वो. दूसरों का मुझे नहीं पता, इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी. तो वहाँ से वो प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट हो गया. फिर उसके बाद आई कैप माई, और उसी सेम टाइम पे आई वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन्स ऑफ शॉर्ट्स विद यूट्यूब. एंड सोचो एंग्जाइटी में आई एम हैंडलिंग दैट होल स्टाफ कि ये भी है, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. आई वॉज लाइक इन कॉन्वर्सेशन विद देम, आई वॉज हैंडलिंग माई लाइफ, आई वॉज हैंडलिंग माई बेबी, हैंडलिंग माई रिलेशनशिप्स. वो मुझे अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार तू तो सुपर वूमन है, ऐसी सिचुएशन में तूने ये सब कर लिया. हर औरत होती है, ट्रस्ट मी, जब वो सिचुएशंस आती है ना, आप ऐसे एक्टिवली आपको पता भी नहीं चलता. अगर आप पैशनेट हो तो आपकी चीज़ें हो जाती हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक लिटिल केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद लाइफ वेंट ऑन द नॉर्मल ट्रैक. अच्छा हुआ ये चीज़ मुझे ज़्यादा टाइम के लिए फेस नहीं करनी पड़ी. आज भी जब मैं वो टाइम सोचती हूँ, इट्स रियली हार्ड ऑन माई माइंड, माई हार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील होता था वो. अभी भी मैं उसके बारे में सोचूँ तो मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है. ओके, सो इट्स नॉट दैट कि वो एंग्जाइटी एक बार हुई, ठीक हो गई, तो वो दोबारा नहीं होगी. इट विल कम बैक. आपको यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. सेम हैपेंड विद मी अभी व्हेन आई एम इन नवंबर, जस्ट एक साल बाद, एग्जैक्टली इन द सेम मंथ आई वेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट अगेन. यहाँ पर क्या हुआ कि आई न्यू आई वॉज प्रेगनेंट. देन दिसंबर में डॉक्टर ने चेक किया एंड मैं बहुत जल्दी चली गई थी इनिशियल में. सो डॉक्टर वॉज लिटिल कॉन्शियस अबाउट कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले भी ये रूरू के टाइम पर मेरा किया था, तो दैट टाइम थिंग्स वर प्रीटी नॉर्मल. लेकिन इस बार एक टॉपिक का केस था. एक टॉपिक के बाद डॉक्टर वॉज लाइक कि देखते हैं क्या होता है. मतलब वो भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना कि चलो चेक करके ही चीज़ें सब अच्छे से करेंगे. सो देन डॉक्टर चेक, उन्होंने बोला कि एक टॉपिक नहीं है, बेबीज इन द यूट्रस. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक ओके देन. पर डॉक्टर ने बोला कि अभी हम एग्जामिन करेंगे, लेट्स टेक 10 to 11 days टाइम, देन यू हैव टू कम बैक और फिर मैं चेक कर लूँगा. ओके फाइन. उसके बाद मैं ट्रिप पर चली गई. ट्रिप पर भी आई वॉज इट्स होल पूरे ट्रिप में मेरे माइंड में ही चल रहा था क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बिकॉज यू नो अगर आप माँ बने हो तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो. इफ़ यू हैव बेबी इन योर वॉम तो वो कनेक्शन बनने लग जाता है. दैट टाइम यू न्यू यू आर प्रेग्नेंट, दैट आई थिंक क्या होता है, वो कनेक्शन आपके बेबी से आपका बन जाता है. एंड यू स्टार्टेड केयरिंग अबाउट ईच एंड एवरी थिंग यू आर डूइंग, उससे रिलेटेड क्या क्या आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो. एंड दो सेकेंड प्रेगनेंसी में आप उतने ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई नहीं होता, क्योंकि आप ये चीज़ एक बार ऑलरेडी फेस कर चुके हो, कुछ भी आपके लिए बहुत नया नहीं होता, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं. बट इन माई केस ये बहुत उलट पुलट था. आफ्टर एक टॉपिक बहुत एक ट्रॉमा जैसा था मेरे लिए, तो वो एंग्जाइटी थोड़ा थोड़ा वापस आ रही थी ट्रिप पर. बट आई वेंट बैक. जब मैं वापस आ गई ट्रिप से, घर पे डॉक्टर को दिखाया, आई गॉट माई स्कैन डन अगेन. तो डॉक्टर वॉज लाइक कि हार्ट बीट आ गया है, अभी नॉर्मल है, यू हैव टू कम टू मी नेक्स्ट मंथ. तो मैं लाइक ओके चलो ठीक है, अब थोड़ा राहत की सांस मिली. बट अभी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही. बहुत लोग पूछ रहे थे ना प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में. मुझे पिछली बार उल्टी का इतना प्रॉब्लम था दैट आई वॉज लाइक कि
मैं उल्टी करती थी, नहीं मैंने लिटरली खाना खाया उल्टी करती, खाना खाया उल्टी करती, वीडियो बना ली गिर गई. इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी मेरी बॉडी में स्टार्टिंग में. सेम आई एम गेटिंग दैट अगेन, बट इस बार ब्लोटिंग भी है प्लस में. पिछली बार ब्लोटिंग नहीं थी, इस बार ब्लोटिंग भी है. बारह बारह फील, लुक आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स कमिंग, डोंट वरी, या नहीं करूँगी. तो ये ऐसा ही हुआ. और अभी इट्स द दैट सिचुएशन कि उठते ही, खाते ही, सोने से पहले उल्टी उल्टी उल्टी. सो ये सबके केस में नहीं होता है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस चीज़ में खिंच जाता है किसी, लाइक आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को होती है उल्टियाँ स्टार्टिंग में. इन माई केस आई थॉट कि अरे लंबे समय तक ना चले, बट पिछली बार वो टाइम से रुक गई थी. एंड इस बार भी मेरे ऊपर ज़्यादा दवाइयाँ काम नहीं करती हैं व्हेन इट कम्स टू वॉमिटिंग. तो बस ठीक है कि मैं थोड़ा बहुत मैनेज करके जैसे तैसे चल रही हूँ, अपनी बॉडी को खींच रही हूँ इस टाइम पे, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी एज वेल. तो मैं जितना हो सकता है खाती हूँ, बट वो बाहर आ जाता है, व्हाट कैन आई डू. और उसमें भी फिर ये होता है कि यार ये खा लो वो खा लो, हर फेवरेट चीज़ से मन हट जाता है. यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी सैड एट एनी टाइम, यू नेवर नो. ये लोग इसको मूड स्विंग्स का नाम देते हैं. मेरे हस्बैंड पिछले मुझे बहुत चढ़ाते थे, मूड स्विंग हो रहा, मूड स्विंग हो रहा, मूड स्विंग हो रहा. उसने पूरे परिवार को सिखा दिया था ये वर्ड मूड स्विंग, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. बट अभी मैंने सोच लिया कि चल हाँ ठीक है, तेरे को जो बोलना है बोलिए. और हॉर्मोनल चेंजेस बोलती थी मैं, बट उसको मूड स्विंग, और मुझे वर्ड से बड़ी चिड़ होती थी. बट अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है तुमको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड या वो होते हैं, दे आर रियल एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं यार बॉडी में, तो होना ऑब्वियस. और ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं होंगे, होते हैं, सब होता है. कब कौन सी बात तुम्हें कैसे हर्ट कर जाए तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा. किस बात पे तुम रोने लग जाओ, किस बात पे तुम हंसने लग जाओ, किस बात पे तुम चिड़चिड़ाने लग जाओ, किस पे गुस्सा हो जाओ, यू विल नेवर गेट टू नो इन द सिचुएशन. एंड मेरा तो अभी तक यही जर्नी है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. वो सब देसी नुस्खे आई एम ट्राइंग, एंड आई एम रीडिंग दिस रियली इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड गर्भ संस्कार, जो मुझे पिछली प्रेगनेंसी में किसी ने भेजी थी, तब मैंने नहीं पढ़ी. इस बार ही मैं पढ़ रही हूँ. आई गॉट टू नो वेरी डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ. तो चलो लेट्स सी कि उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, बाकी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. आई नो आज मैंने बहुत चिट चैट किया है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस चिट चैट एंड पूरा ओवरव्यू कि इतने दिनों से चल क्या रहा है, बिकॉज अब आने वाली हैं रेगुलर वीडियोज़. आई हैव डिसाइडेड टू टेक दिस चैलेंज. मुझे पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब भी मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है उसी टाइम पे मुझे अपने वर्क वाले चैलेंजेस भी लेने का कीड़ा उठता है. बट आई नो आई बी एबल टू डू इट विद द सपोर्ट ऑफ यू गाइज एंड माई फैमिली. चलो हम, मैं जल्दी से जाती हूँ, लेट्स कुक सम फूड. अभी मैं इस आस में हूँ कि मैं उसे खा के उल्टी नहीं करूँगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो चलो, खाना बनाना मेरी फेवरेट हॉबी है इफ़ यू गाइज नो, लेकिन आजकल वो भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है. ये मन बहुत अजीब है. पिछली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, खाना बनाने का मन करता था. इस प्रेगनेंसी में मुझे महक आती है बहुत अजीब अजीब. आई स्टार्टेड हेटिंग अगरबत्ती, धूप बत्ती अच्छी लगती थी मुझे. आई स्टार्टेड हेटिंग इलायची, एंड आई डोंट लाइक मीठा एनी मोर, जो कि वो तो मैं पिछली में भी कम ही खा रही थी शुगर की वजह से. मतलब मुझे शुगर नहीं है, बट आई ट्राई टू अवॉइड वाइट शुगर, तो उसकी वजह से मैं कम ही खा रही थी. बट इस बार तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का. व्हाट आई एम लाइकिंग इज़ जस्ट एप्पल. एप्पल मुझे अच्छा लग रहा है बस, बाकी असली थिंग बिल्कुल सब एसिडिक हो जाता है पेट में जाके. एनी वेज आई थिंक बहुत डिस्कशन हो गया, बहुत लोग पूछ रहे थे जर्नी के बारे में. सो दिस इज़ बाय फार अ जर्नी, और बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ आने वाली हैं. तो मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया रेगुलर वीडियोज़. सो या आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर. इसमें शेयर करने जैसा कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ हमारा एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. या टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वन.